ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पूरी ये वाले खाली सीक्रेट करके फिर लेके आए। मैं सब इंस्पेक्टर राजू बात करना चाहता हूँ यार, उसमें हमें पूरे दर्द कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा गैस टंकी ऊपर? ऐसी जानकारी मिली थी कि अवैध रूप से लोग गैस का भंडारण करते हैं, तो पुलिस एवं खाद्य विभाग के दल द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के निर्देशन में आकस्मिक रूप से जांच की गई। जांच में इधर ये 317 है ना, 317 मलार कॉलोनी में इमरान शेख, जो कि चामुंडा गैस एजेंसी के हैकर हैं, इनके यहाँ इनके घर के बाहर दुकान में लगभग कुल 28 सिलेंडर घरेलू उपयोग के और 5 सिलेंडर व्यवसाय उपयोग के पाए गए। इनके द्वारा बताया गया कि वो सिलेंडर इनकी गाड़ी ख़राब होने से इन्होंने यहाँ पर रख लिए थे घर में, क्योंकि ये विस्फोटक विभाग से अनुमोदित स्थान नहीं है, अवैध भंडारण होने से इनको जब्त किया जा रहा है। आगामी कार्रवाई के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। सर सिलेंडर भरे हुए यहाँ पे भरे हुए सिलेंडर हैं, अठारह भरे हुए हैं और 10 खाली। सर और भी कई कार्रवाई की गई है अभी आपके द्वारा? इसके पहले एक कियोस्क सेंटर चलता है, कियोस्क सेंटर पे भी जांच की गई है, वहाँ पे हमको 18 सिलेंडर मिले थे विभिन्न एजेंसी कंपनियों के, तो भरे थे खाली थे। हाँ उसमें भी कितने थे एक बता रहा हूँ आपको एग्जैक्ट जानकारी दे। चौदह भरे हुए और 4 खाली। सर जिस बालगढ़ चौराहे पर भी की गई शायद? हाँ वही बता रहा हूँ कि उस सेंटर है 18 मलार रोड भैरव मंदिर के पास में, दुकान का कुछ नाम वगैरह उसका विपिन पाई करके है। सर जिस तरह से यहाँ पे जो गैस की टंकियाँ रखी थी, तो ये रख सकते हैं या नहीं रख सकते? देखिए किस तरह की कार्रवाई अब होगी। कियोस्क जो सेंटर है, कियोस्क सेंटर को चूंकि भारत सरकार ने परमिशन दे रखी है कि 100 किलो गैस तक वो भंडारित कर सकते हैं, अगर किसी एजेंसी द्वारा उसको अधिकृत कर दिया जाए तब, और वो कंज्यूमर को एक निश्चित अमाउंट पर 10 रुपये या 12 रुपये कमीशन पर बेच सकते हैं। क्या पाया गया उनके वहाँ पर? उनके यहाँ क्योंकि 14 गैस सिलेंडर पाए गए थे, और जो 100 किलो गैस से अधिक होते हैं, इस कारण अवैध भंडारण के उसमें उल्लंघन में जब्त किया गया है। आपका नाम और पक्ष? मैं बी एस राय, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, खाद्य विभाग।